हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमएससी फैसिलिटी। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं कि फोटोकॉपी मशीन को स्मार्टली कैसे ऑपरेट किया जाता है। यदि आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको उस ऑफिस में यूज होने वाले कॉमन इक्विपमेंट्स या मशीन को ऑपरेट करना आना बहुत ज़रूरी है। आप ऑफिस बॉय के तौर पे काम कर रहे हों या पियोन के तौर पे काम कर रहे हों या एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहे हों, तो भी आपको ऑफिस के कॉमन इक्विपमेंट्स या मशीन को ऑपरेट करना आना ज़रूरी है। ऑफिस में जो भी कॉमन इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे फोटोकॉपियर हो गया हमारा, स्कैनर हो गया, इस तरह की जो भी कॉमन चीज़ें हैं वो अगर आपको ऑपरेट करनी आती तो आपको ज़्यादा हेल्प लेनी नहीं पड़ेगी। आप खुद से अपना काम सारा कर सकते हो और इससे आपकी क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। आज हम आपको बताने वाले हैं कि फोटोकॉपी मशीन को स्मार्टली कैसे ऑपरेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, फोटोकॉपी मशीन एक ऐसी मशीन है कि जब से इन्वेंट हुई है उसके बाद से लेकर अभी तक इस पर इतने रिवोल्यूशन हो चुके हैं कि आप गिन नहीं सकते हो। पहले हाथ से चलाने वाली मैनुअल फोटोकॉपी मशीन आती थी, उसके बाद इलेक्ट्रिक मशीनें आने शुरू हुई, उसके बाद इतने फीचर इसमें ऐड ऑन होते गए कि पहले 2 कॉपी पर मिनट निकलती थी, फिर 4 कॉपी 8 कॉपी, आज की डेट में 50-60 कॉपी पर मिनट तक की फोटोकॉपी मशीन अवेलेबल है मार्केट में। ये हमारे पास हमारा फोटोकॉपियर मशीन है, आप देखेंगे कोनिका मिनोल्टा इसका ब्रांड है और ये मॉडल है इसका VZ266i। दोस्तों, ये एक फोटोकॉपियर का स्कैनर है और इसमें जो फंक्शन आप यूज कर सकते हैं वो है फोटोकॉपी, स्कैनिंग और स्कैन करके आप ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 3 तरह की पेपर ट्रे होती हैं। एक पेपर ट्रे ये है, दूसरी पेपर ट्रे ये है और तीसरी पेपर ट्रे इसमें बैक साइड में होती है, ओपन ट्रे। इसको ट्रे को किसी भी तरीके से आप किसी भी टाइप का पेपर इसमें आप फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें कौन कौन से पेपर से हम फोटोकॉपी निकाल सकते हैं। जैसे ये है हमारे पास, इसको हम A3 साइज पेपर बोलते हैं, इसमें भी हम इससे फोटोकॉपी निकाल सकते हैं। ये A4 साइज पेपर है, इससे भी फोटोकॉपी निकाल सकते हैं और ये लीगल पेपर हम इसको बोलते हैं, इस पर भी हम इससे फोटोकॉपी निकाल सकते हैं। अब इनको ट्रे में कैसे सेट कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है सबसे ऊपर हमारी ट्रे, इसमें जैसे A4 लिखा हुआ है तो A4 पेपर को हमेशा स्ट्रेट फिट करना, जैसे इसमें A4 पेपर पड़ा हुआ है तो ये यहाँ पे इसकी क्लिप लगी हुई है, अगर हमें बढ़ाना होगा तो हम बढ़ा सकते हैं इसमें, लेकिन A4 साइज़ का यहाँ पे फिट है तो ये A4 के हिसाब से हमने फिट कर रखा है, तो ये हमारी A4 की ट्रे होगी। दूसरी A4 में एक और तरीके से हम A4 पेपर को निकालते हैं, अगर हमें कोई पेपर स्ट्रेट में नहीं चाहिए, वर्टिकल में चाहिए, तो उस पेपर को हम दूसरे तरीके से दूसरी ट्रे में सेट कर सकते हैं, उसको हम A4R भी बोलते हैं। नीचे वाली ट्रे को हम A4R के हिसाब से सेट कर सकते हैं, ये अभी जैसे A4R पे इसकी क्लिप लगी हुई है तो A4R के हिसाब से ये यहाँ पे सेट हो गई। यही चीज़ अगर हमें इसमें लीगल पेपर निकालना हो तो इसी ट्रे को हम सेट कर सकते हैं। ये हमने A4 पेपर निकाल दिया इसमें से वापस और हम लीगल पेपर इसमें सेट करेंगे। लीगल पेपर सेट करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे लीगल पेपर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये इधर यहाँ पे ये सेट करके लिखा हुआ है और ये हमने लीगल पेपर इसमें सेट कर दिया और इसको क्लिप को प्रॉपर तरीके से वो कर दिया और ट्रे को क्लोज कर दिया। इसी तरह से अगर हमें A3 साइज निकालना है और हम नहीं चाहते कि हम इन दोनों में से किसी भी ट्रे को डिस्टर्ब करें, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो है ओपन ट्रे को भी यूज कर सकते हैं। ओपन ट्रे हमारी ये है, इसको प्रॉपर तरीके से खोलेंगे और ये इसको बाहर कर दिया, यहाँ पे हमने ये पेपर फिट कर दिया। यहाँ पे ये फोटोकॉपी में आप देखेंगे अगर हम यहाँ जाते हैं तो ये A3 का ऑप्शन ऑटोमेटिकली इस पर आ जाएगा।
ये आपका ट्रे में A3 का पेपर है, आपको कौन से साइज की फोटो कॉपी निकालनी है वो इसमें आपको दिख जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें से आप कॉपी कैसे कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एक पेज पड़ा हुआ है, मुझे इसकी फ़ोटो कॉपी निकालनी है। दो तरीके से आप इसमें फ़ोटो कॉपी निकाल सकते हैं। एक तो ये हो गया हमारा, डायरेक्ट हम मिरर के ऊपर रख देते हैं। ध्यान रहे कभी भी आपको A4 फ़ोटो कॉपी निकालनी है तो A4 पेपर को हमेशा इस तरीके से रखना है आपको। और अगर A4 R में निकालना है तो आपको पेपर को इस तरीके से रखना है। लीगल में निकालना है तो भी आपको इस तरीके से रखना होगा। A3 साइज तो आपका पूरा इसी इस पर फिट होके आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट कॉपी निकालने का तरीका। दूसरा, इसमें एक और फीडर होता है, ये टॉप में बना हुआ होता है, इसमें से भी आप फोटो कॉपी निकाल सकते हैं। जैसे हमारा ये पेपर है, यहाँ पर रख दिया और यहाँ पे ये फंक्शन है इसका, ये है जॉब लिस्ट में जाके कॉपी, और आपको कितनी कॉपी चाहिए, जैसे मुझे इसकी 2 कॉपी चाहिए तो 2 यहाँ पे सेट कर दिया और स्टार्ट बटन प्रेस कर दिया, तो यहाँ से ये पेपर ले लिया और ये हमारे यहाँ से 2 कॉपी निकल जाएंगे। इसी तरह से आपको नीचे से भी फोटो कॉपी करके दिखा देता हूँ। इसमें ये हमने A4 से निकाल दिया, मुझे 1 कॉपी चाहिए, यहाँ पे 1 फिट कर दिया, यहाँ से बटन दबा दिया, ये हमारी कॉपी निकल जाएगी। यही चीज़ अगर इसी पेपर को आपको A4 R में निकालना है तो आपको ऐसे नहीं रखना पेपर, आपको पेपर ऐसे रखना है। तो इसमें क्या करेगी फोटो कॉपी मशीन, आपको इसमें पेपर चेंज करना है। यहाँ पे ये पेपर का साइन बना हुआ है, अभी ये A4 पे सेट है, हमने यहाँ से कर दिया और ये A4 R ये दूसरे तरीके से दिखा रहा है, तो A4 R पे प्रेस कर दिया और स्टार्ट बटन दबा दिया, ये आपकी ये A4 R में फ़ोटो कॉपी आ जाएगी ऐसे। इसके कुछ और फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, अगर कोई छोटा है तो उसको इनलार्ज करके फोटोकॉपी निकाल सकते हैं, या कोई ज़्यादा बड़ा है तो उसको छोटा करके फोटोकॉपी निकाल सकते हैं या स्केलिंग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक अभी पैन कार्ड पड़ा हुआ है, अभी आपको छोटा सा दिख रहा है, अगर मैं इसको, जैसे मुझे इसको बड़ा करना है तो इसमें हमने यहाँ पर रख दिया इसको, और यहाँ पे आके कॉपी में जाके इसमें फंक्शन बने हुए हैं परसेंटेज का, इसको हम बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से कुछ परसेंटेज सेट भी हैं और हम इसको कस्टमाइज परसेंटेज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मुझे 150% इसको बड़ा करना है, अब आप देखेंगे कि ये पेपर सेलेक्ट के लिए आ गया, पेपर हमने सेलेक्ट कर दिया और ये हमारा फोटोकॉपी जो आएगी इनलार्ज होके आएगी, ये आप देखेंगे ये हमारी करीब 1.5 गुना बड़ा साइज निकल के आ गया। इसी को अगर मुझे छोटा करना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाके इसको रिड्यूस कर देंगे, जैसे मुझे 50% करना है इसको, इसी चीज़ को हम 50% करेंगे। ये हमारा जो है 50% आ गया। तो इसके अलावा इसके कुछ और फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप अपने हिसाब से कॉपी को लाइट कर सकते हैं या अपने हिसाब से कॉपी को डार्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जैसे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, इसको मुझे लाइट करना है, ये भी नॉर्मल पोजिशन पर है, इसको लाइट करना है, कॉपी में गए स्टैंडर्ड पर अभी ये सेट है, मुझे लाइट करना है, तो ये हमने प्रेस कर दिया यहाँ पे लाइट, ओके कर दिया और ये A4 साइज हमने सेलेक्ट कर दिया और ये हमारा प्रिंट आ जाएगा जो कि लाइट होगा। ये देखेंगे ये लाइट प्रिंट निकला है। इसी को अगर हमें और ज़्यादा डार्कनेस इसकी बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अपनाएंगे और इसके स्टैंड में इसमें जाके
यहाँ पे जो अभी हमने लाइट पे सेट करा था, इसको स्टैंडर्ड से आगे लेके जाएंगे हम, थोड़ा सा और आगे लेके गए, जहाँ पे आपको सेट करना है, जितनी डार्कनेस आपको चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे। ओके कर दिया, और ये हमने ये देखिए, ये हमारी बिल्कुल डार्क कॉपी निकल गई, ये हमारी लाइट है, ये डार्क है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और फीचर्स मैं इस मशीन के आपको बता देता हूँ कि इसमें से आप बैक टू बैक फोटो कॉपी निकाल सकते हैं, बैक टू बैक स्कैनिंग आप कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये बैक टू बैक एक पेपर पड़ा हुआ है, बैक टू बैक प्रिंट होके इसकी मुझे जैसे फ़ोटो कॉपी निकालनी है बैक टू बैक, तो मैं क्या करूँगा कि इसमें इस पेपर को फिट कर दिया हमने। आप नीचे भी पेपर फिट कर सकते हैं, ऊपर से भी आप पेपर को फिट कर सकते हैं। कॉपियर में जाके आपको क्या करना है कि ये कॉपी सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे आपको फंक्शन है इसके, वन साइड वाला अभी सेलेक्ट हो रखा है, तो जैसे यहाँ पे टू साइड वाला हमने सेलेक्ट कर दिया, ये प्रिंट निकाल दिया, तो ये हमारी जो है बैक टू बैक फोटो कॉपी हो जाएगी एक ही पेपर पे। ये हमारा बैक टू बैक आप देखेंगे फोटो कॉपी निकल गई एक ही पेपर पे। इसी को अगर हमने अलग अलग निकालना है, आपके पास बैक टू बैक कोई पेपर पड़ा हुआ है, आपको आप नहीं चाहते कि उसको हम एक ही पेपर पे बैक टू बैक निकालें, आपको सेपरेट पेज पे चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं, इसको बैक टू बैक को सेपरेट पेपर पे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपने कॉपी सेलेक्ट कर दी और इसके डुप्लेक्स ऑप्शन में जाके 2x सिंगल साइड आप करेंगे, ओके कर दिया, तो ये आपको जो है दोनों अलग अलग पेज पे फोटोकॉपी निकाल के दे देगा। ये आपकी दोनों अलग अलग पेज पे फोटोकॉपी निकल के आ गई, ये दो अलग अलग पेज है जो इसके बैक टू बैक थे, ये सिंगल सिंगल पेज में निकल गए। अगर आपको सिंगल सिंगल बैक टू बैक निकालना है, जैसे दो सिंगल पेज है आपको बैक टू बैक निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि दोनों पेजों को प्लेस कर दिया और यहाँ से आपने सेटिंग कर दी डुप्लेक्स में जाके 1x2 साइड, ओके प्रेस कर दिया, आपने स्टार्ट का बटन दबा दिया, आपके जो दोनों पेज हैं एक ही पेज में आगे पीछे प्रिंट होके निकल जाएंगे। अब आप देखेंगे ये हमने दो पेज प्लेस किए थे अलग अलग, और ये हमारी एक ही पेज पे फोटोकॉपी होके निकलेंगे। अब जानते हैं कि इसमें से स्कैनिंग कैसे करते हैं। स्कैनिंग के भी दो ही तरीके हैं इसमें पेपर रखने के, एक तो डायरेक्ट हम मिरर पे पेपर रख सकते हैं, और दूसरा फीडर के थ्रू हम पेपर रख सकते हैं। आपको ज़्यादा पेपर स्कैन करने हैं तो आप डायरेक्ट फीडर में रखिए, इसमें फंक्शन बने हुए हैं। जॉब लिस्ट में जाके आपको स्कैन पे जाना है, और जिस भी फोल्डर में आपको स्कैन करना है उसको प्रेस करके ओके कर देना है, और यहाँ से फिर आपको स्टार्ट का बटन प्रेस कर देना है, तो ये आपका एक एक करके पेपर निकालता चले जाएगा खुद ही। और जिस फोल्डर में आपने इसको डेस्टिनेशन जो सेट किया है उस फोल्डर में ये आपका स्कैनर चला जाएगा, और वहाँ से आप मेल कर सकते हैं इसको, या यहीं से भी इसमें आप डॉक्यूमेंट्स को मेल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आपको इस मशीन के बारे में बता देता हूँ कि यदि आपने गलती से कुछ ज़्यादा प्रिंट दे दिया है, या गलती से ज़्यादा कॉपी आपने इसमें फीड कर दी है और आपको उतनी कॉपी चाहिए नहीं, तो आप इसको बीच में भी रोक सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आपका यहाँ पे जो है स्टॉप का बटन बना हुआ है, यहाँ पे आपने स्टॉप का बटन प्रेस कर देना है, और यहाँ पे आपकी स्क्रीन आ जाएगी यस या नो, यस करके आप उसको हटा सकते हैं। उसी तरह आप जैसे आपने ज़्यादा प्रिंट दे दिए और आपको नहीं चाहिए वो प्रिंट, आप जॉब लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कितने प्रिंट आपके पेंडिंग आ रहे हैं, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट का बटन ये बना हुआ है, आप डिलीट प्रेस करके प्रिंट को भी इसमें से रोक सकते हैं।
उसके अलावा कभी कभी इसमें क्या होता है कि आपका पेपर फंस जाता है मशीन में, जनरली पेपर फंसता है बैक साइड में, तो उसके लिए यहाँ पे जो है ये बटन बना हुआ है। अगर यहाँ आपका पेपर फंसता है तो ये यहाँ से बटन प्रेस करके आपने ये यहाँ से खोलना है, तो यहाँ से फिर ये इसको बटन प्रेस करके यहाँ से आप पेपर को निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, सावधानी से पेपर को निकालना है कि निकालते समय कहीं पेपर फट ना जाए, बहुत तरीके से निकालना होता है उसको। फिर उसी तरीके से बंद करके ये इसका लोअर ऊपर करके और ये इसको प्रॉपर तरीके से बंद करना है, तो ये आपका पेपर इसमें से जो भी जैम है वो हट जाएगा। अगर आपको टोनर चेंज करना है मशीन का, कभी आपका टोनर ख़त्म हो जाता है इस मशीन में, तो यहाँ पे एक स्पेस बना हुआ है ये टोनर का, और ये आप देखेंगे कि ये इसको यूँ घुमा दिया और ये टोनर का डिब्बा बाहर आ गया, ये इसके टोनर है। ये इसको फिर रिफिल करते समय आपको क्या करना है, इसी तरीके से इसको अंदर डाल के और इसको घुमा देना है और ये आपने ढक्कन इसका बंद कर देना है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि अभी तक आपने कितनी कॉपी इसमें से निकाली है। उसके लिए क्या करना है आपको कि यहाँ पे आपका एक काउंटर चेक का बटन बना हुआ है, इसमें सेटिंग में जाके काउंटर क्लिक करना है आपने। तो आप देखेंगे जैसे हमारे 1,68,489 कॉपी इसमें से निकल चुके हैं, तो ये सारी रीडिंग आपको बता देगा। दोस्तों अब आखिर में मैं आपको बता देता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सेफ्टी टिप्स। किस मशीन को सेफली कैसे यूज करना है, कैसे सेफ रख सकते हैं जिससे इसकी लाइफ बनी रहे और इसमें कोई खराबी ना हो और आपका जो है काम हैम्पर ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है कि इसके ग्लास को हमेशा क्लीन करके रखना है। ध्यान है कि इसके ग्लास में डस्ट नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से डेली इसकी सफाई करनी है या टाइम टू टाइम इसकी सफाई करनी है। ध्यान रहे इसको गीले कपड़े से नहीं मारना है, आप हमेशा ड्राई डस्टर इस पर यूज करिए। इसके ऊपर के हिस्से को कभी भी हाथ में पेन रख के फोटोकॉपी ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेन के निशान इस पर आ जाते हैं और वो जो निशान होते हैं वो स्कैन के जरिए आपके फोटोकॉपी में आ जाते हैं। इस एरिया को हमेशा क्लीन करके रखना है, आपको ट्रे खोल के भी हमेशा सफाई करनी है ताकि इसके लेंस की सफाई करनी है। उसके अलावा आपको क्या करना है कि जब भी आप फोटोकॉपी को यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको हमेशा पावर ऑफ मोड पे रखना है। उसमें क्या होगा कि मशीन तो आपकी ऑन रहेगी लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना है कि ये पावर का बटन यहाँ पे बना हुआ है और इसको आपने दबा के ये करना है, तो मशीन आपकी पावर ऑफ मोड पे आ जाएगी, जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। दूसरा आपने क्या करना है कि कोशिश करिए कि आप वन साइड यूज करे हुए पेपर पे फोटोकॉपी या प्रिंटर लें। इससे क्या होगा कि हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी फायदा हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर कहाँ से बनता है, पेपर हमारे पेड़ कटने से ही बनता है। अगर हम वेस्ट पेपर यूज करेंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम वेस्ट पेपर यूज करें, तो उससे हम जो है एनवायरनमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं और काफ़ी पेपर इससे हमारा बचता भी है। फ्रेश पेपर यूज कम से कम करें, और अगर आप वेस्ट पेपर यूज कर रहे हैं तो एक बार और आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि वो स्टेपल करे हुए ना हो। कई बार क्या करते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं, स्टेपल करते हुए पेपर आप ट्रे में भर देते हैं और जब वो उधर से घूम के आता है एक तो फंस जाएगा, दूसरा वो जो उसकी स्टेपलर की पिन है वो उसके ड्रम को भी डैमेज कर सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कि फोटोकॉपी मशीन को स्मार्टली कैसे ऑपरेट करना है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।